लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि 75 साल जो पाकिस्तान की तारीख है, हमने ऐसे लगता है कि कभी कभी तो लगता है कि हमने जाया कर दिए हैं। हमें वो जो जो हम हासिल कर सकते थे वो हम नहीं कर सके। वो कि बहुत कुछ पाकिस्तान ने 75 सालों में हासिल किया है। पैसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए इंसान को। लेकिन लगता यह है कि अगर आप देखें कि जिस तरह दुनिया टूट के इंडिया की तरफ जा रही है, अभी ये एक I2U2 एक ग्रुप बना है जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है। मैं एक व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे जनाब के जो जो गवर्नमेंट ऑफ जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हैं इंडिया के, इसराइल के, यूएई के और अमेरिका के, इन्होंने फर्स्ट लीडर्स मीटिंग कॉल की है। और इसमें इन्होंने कहा है जी कि हमें जो हमारी सोसाइटीज हैं उनमें जो एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट है वो किस तरह हमें उसको बिल्ड करना है, और जो हमारे दुनिया में जो चैलेंजेस हैं सोसाइटी को, दुनिया को, हमें किस तरह वो डील करना है। अब आप देखें कि अमेरिका जो है वो एक साउथ एशियन कंट्री इंडिया को किस तरह अपलिफ्ट कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि जी हमें ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट्स करनी है, व्हाट, पानी में, एनर्जी में, ट्रांसपोर्टेशन में, स्पेस में, हेल्थ में, फूड सिक्योरिटी में। अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान जो है पिछले 75 साल में अमेरिका के साथ जब भी डील करता रहा, या यूएई के साथ जब भी डील करता रहा, क्या हम इन चीजों पर बात करते रहे हैं कि वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी पर किस तरह बात करनी? क्या हमें इस चीज की समझ रही है? क्या हमने इस चीज को कभी नोट किया कि ये चीज जो है ये कितना कितनी अहम है पाकिस्तान के लिए, या हमें क्या करना चाहिए? अभी आप देखें कि ये जो I2U2 है, इसके तहत जो अमेरिकन हैं, अमरातीज हैं, और जो इसराइल है, वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जी ये दिस इज व्हाट दी बेसिकली द व्हाइट हाउस सेज ऑन दिस। अब यूएई के अंदर जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है उसका वो हेडक्वार्टर है, और यूएई जो है वो 2023 में जो COP28 है उसको भी होस्ट कर रहा है। उन्होंने ये कहा है जनाब कि जो यूएई जो है और जो बाकी ममालिक हैं, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट $2 बिलियन इन द इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स बना रहे हैं अक्रॉस इंडिया। ठीक है जी, जहां पे वो समझते हैं कि जी आप देखें ना कि क्योंकि इंडिया ने अपने आप को मार्केट किया कि जी हम अपनी जो जो जरी जमीन है उसको वो मार्केट कर रहे हैं। पाकिस्तान भी तो एक जरी मुल्क है, हम भी तो जरी मुल्क है, लेकिन हम तो फूड के नेट इम्पोर्टर हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हम आटा हमारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस इलाके से पाकिस्तान से मैं आता हूँ वहां पे तो गंदम ही गंदम है, वहां पे तो चावल ही चावल है, लेकिन वहां पे हमने हाउसिंग सोसाइटीज बना दी हैं। द रीजन बिहाइंड इज पाकिस्तान में और तो कारोबार चल नहीं रहा, तो फिर यही है, जमीनें बेचो, किसानों को बेघर करो, और किसानों को जो है वो बर्बाद करो, और उधर हाउसिंग सोसाइटीज बना दो, वहां आ जाएंगे ठेकेदार और वो ईंट सरिया सीमेंट लेके आएंगे, और वो पैसा चंद एक लोगों के पास चला जाएगा, और वो जो किसान है वो हालियात हो जाएगा। अब देखें इंडिया में क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं जी कि हम फूड पार्क्स बनाएंगे, इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स, जिसमें इंडिया जो है वो उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट, सारी बात है, क्लाइमेट वहां पे वो प्रोवाइड करेगा, या क्लाइमेट होगा ऑब्वियसली, कुछ नेचुरल होता है कुछ प्रोवाइड करना है, फिर स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं फार्मिंग के अंदर। और हम यहाँ पे पाकिस्तान में बात कर रहे थे जी सी पैक के तहत हम बड़ी एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं, बड़ी एग्रीकल्चर चीजें होंगी, हम अपने किसान को उठा रहे हैं। किसी को नहीं पता कि सी पैक के तहत कहाँ पे चीजें हो रही हैं। आज आपको पता चलेगा कि अमरीका जो है वो यूएई जो है और जो अमराती जो है वो किस तरह इंडिया की उस एरिया को जो जरीज रकबा है उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम स्मार्ट टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे, और जिसमें यह है कि जो फूड वेस्टेज है वो नहीं होगी। हमारे यहाँ बड़ी फूड वेस्टेज होती है क्योंकि ज्यादातर जो गरीब किसान है वो तो ज्यादातर जो रकबा है उनको वो बहुत सारी उसको जो उनको तो पता ही नहीं चलता कि हमने फसल को समेटना कैसे है। तो वो कह रहे हैं जनाब कि आप जब इतना इंटरनेशनली पैसा लगेगा फूड जो है वो वेस्ट करने के लिए बचाई जाएगी, फिर ये है कि पानी, उनको फ्रेश वाटर कैसे कंजर्व करना है ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि पाकिस्तान में, मैं कल किसी से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में जैसे गन्ना काश्त होता है तो पाकिस्तान में गन्ना वो बहुत ज्यादा पानी पीता है, तो आपका सारा पानी वहां चला जाता है, आप उन फसलों, वो फसलें उगाएं जो प्रोडक्टिव, जो, और हम चीनी भी इम्पोर्ट करते हैं बाद में, अब वो फसलें उगाएं जो पानी भी कम लें, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और एक्सपोर्ट भी ज्यादा हो। तो इसका ताल्लुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। अब जारी बात है पानी को कैसे महफूज करना है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज किस तरह जो है वो उनको लेके आना है। अब इंडिया जो है वो इसके लिए अप्रोप्रिएट लैंड प्रोजेक्ट देगा इस प्रोजेक्ट के लिए, और जो फार्मर्स हैं उनको ये चीजें सारी मिलेंगी। इसराइल जो है उसका जो प्राइवेट सेक्टर है
उसको वो इंडिया जो इनवाइट करेगा और उनकी जो एक्सपर्टीज आएंगी और वो सारी जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं वो लेके आएंगी, और जो सस्टेनेबल, इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए इसराइल इंडिया की मदद करने वाला है। और ये आप देखिए, इसराइल के साथ तो हमने ताल्लुकात खराब कर दिए हुए हैं, क्योंकि हम तो समझते हैं इसराइल जो है वो तो इस्लाम का दुश्मन है। जब आपने हर चीज को मजहब के एंगल से देखने, तो आपने कारोबार क्या करना है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो यहूदियों से कारोबार करते थे। मैं इस्लाम का स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट, जैसे वो कहते हैं ना कि कोई बड़ा इन डेप्थ में नहीं जानता, लेकिन आई एम ए मुस्लिम। तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इस्लाम जो है लोग कारोबार नहीं करते? आज पूरा मिडल ईस्ट जो है वो इसराइल के साथ खुल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में तो कहा जाता है जी कि आप तो पाकिस्तान का सौदा करेंगे, क्योंकि हम अपने फैसले दिमाग से तो करते नहीं, हम तो फैसले करते हैं जज्बात के साथ। अभी क्या करना है, हमारी रियासत को क्या चाहिए, इसका ताल्लुक हमारे दिमाग से नहीं, इसका ताल्लुक हमारे दिल से है। खैर कोई बात नहीं, इसकी जारी बात है, कीमतें भी फिर कौमें ही देती हैं, इंडिविजुअल्स नहीं देते। खैर अब जो रही बात है, वो चाहते हैं कि मैक्सिमम इसमें यील्ड ली जाए और फूड इनसिक्योरिटी को कैटर किया जाए साउथ एशिया में और मिडल ईस्ट में। सो व्हाट द अमेरिकन्स एंड इजरायलीज एंड द अमीरातीज वांट कि इंडिया को यूज करो, बिकॉज इंडिया हैज अ ह्यूज लैंड एंड इंडिया ने अपने आप को कैपिटलाइज भी किया है कि आप हमारे पास पैसा लेके आए, आप इंटीग्रेटेड फूड पार्क। तो आप मुझे ये बताएं, आप मोदी जी के लिए जितनी मर्जी गालियां निकालो, जितने मर्जी जुलूस निकालो, जो मर्जी उनके लिए करो, जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर वहां पे आके पैसा डालना चाहता है तो आप क्या कर सकते हैं? तो ये तो जो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्रेडिट रेटिंग ऊपर, जो रेटिंग है कितनी ऊपर चली जाएगी इवन नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, फॉरगेट अभी वो क्या कर रहे हैं, उनकी तो अगली रेटिंग बड़ी ऊपर चली जाएगी 2023 के लिए या 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है। सो ये अब एक चीज है, और अब देखिए कि किस तरह वो अपने आप को प्रोजेक्ट एंड मार्केट करने लगे हैं। उधर वो क्वाड में बैठे हैं, इंडिया मिडल ईस्ट में जा रहा है, ये आपने देख लिया इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स की बात सुन ली। अब आगे सुने क्लीन एनर्जी के लिए जो क्या कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो होम स्टेट है गुजरात, वहां पे वो 300 मेगावाट जो है वो विंड एंड सोलर कैपेसिटी की जो है वो के प्रोजेक्ट्स लगाने लगे हैं, जो कि बैटरी जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जिसका होगा। अब यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी जो है, ये इसने एक फंड की थी फिजिबिलिटी, वो $330 मिलियन का यूएस का प्रोजेक्ट था। अब इसमें यूएई की कंपनीज भी जो अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रही हैं कि हमने ये क्रिटिकल नॉलेज एंड किस तरह हम इसके इन्वेस्टमेंट पार्टनर बन सकते हैं। सो फॉरगेट फॉरगेट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बिजनेस हो रहा है। सो दे आर फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी, दे आर पिकिंग अप इंडिया एज ए मेन कंट्री, जो कि आप देखें, जो व्हाट आई फाइंड इट, अमेरिकन ये समझते हैं कि अगर हमें इंडिया को इंसेंटिव्स देने हैं तो फिर उनकी फाइनेंशियल जो है वो हमारी तरह नहीं है पाकिस्तान, कि हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात तो ट्रांजैक्शनल रहे हैं, उनके तो ट्रांजैक्शनल ताल्लुकात नहीं है, वो तो इक्वल इक्वालिटी के बेस पे काम कर रहे हैं। जब $600 अरब का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा होगा और उसके मुकाबले में $10 अरब का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा होगा, तो फिर बात इक्वालिटी की तो नहीं होगी, फिर वो हमें तो वो जूनियर पार्टनर समझते हैं। और हम यहाँ पे कहते हैं जी हमें इक्वल पार्टनर, भाई इक्वल पार्टनर को किस तरह हमें ले सकते हैं? हमें ये बड़ी बात बुरी लगती है, बट दिस इज अ रियलिटी। अब देखेंगे वो इधर इतना पैसा लगा रहे हैं, और आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि इंडिया विल फोर्स द वेस्ट एंड विल फोर्स अमेरिकन्स के वो किसी किस्म की पाकिस्तान को कोई मिलिट्री इक्विपमेंट और कुछ भी नहीं देंगे। और उसकी वजह ये नहीं कि इंडिया कैन डू इट, उसकी वजह ये कि पाकिस्तान डजंट हैव अ कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी के इशू है। इंडिया जो करेगा वो तो करेगा, उनका तो काम है। देखें, एवरी कंट्रीज जॉब इज टू परसू द नेशनल इंटरेस्ट, हर एक मुल्क का काम होता है अपना नेशनल इंटरेस्ट परसू करें, इस तरह हमारा काम है अपना नेशनल इंटरेस्ट परसू करें। और जारी बात है, जब आप अपना जो नेशनल इंटरेस्ट परसू करते हैं, हम जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ते थे तो मुझे याद है जब हमने फॉरेन पॉलिसी का एक कोर्स पढ़ा, तो हमारे बड़े अच्छे प्रोफेसर हुआ करते थे, डॉक्टर परवेज इकबाल चीमा, इज वेरी रिनाउंड प्रोफेसर इन पाकिस्तान, बड़ा नाम था उनका इंटरनेशनल रिलेशंस में, परवेज इकबाल चीमा का, आप उनको नॉर्मली पाकिस्तान में PI चीमा भी कहा जाता था। वो उन्होंने जो हमें पढ़ाया, जो फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन, तो उन्होंने पढ़ाया कि इट्स अबाउट मैक्सिमाइजिंग एंड एनहेंसिंग योर नेशनल इंटरेस्ट, दैट्स इट, कि आप अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है कौमी मुफाद को एनहेंस करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, वो जो भी है। सो अब इसमें हमें किसी ने नहीं रोकना, हमें खुद रुकना है। आप देखिए कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप देखें, वो किस तरह वो कह रहे हैं कि जी हम अब इसमें अमेरिकन यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी इसमें पैसा लगा रही है, फिजिबिलिटी तैयार कर रही है, अमराती कंपनी इसमें आ रही हैं, इसराइल और यूएस जो है वो कह रहे हैं कि हम यूएई के साथ मिलकर इंडिया को जो है वो इंडिया का जो प्राइवेट इंडिया के प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करेंगे, इंडियन कंपनीज भी जो है इस प्रोजेक्ट में पैसा डालना चाहती हैं,
और नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बिल्ड करना चाहते हैं बाई 2030, और बड़े पैमाने पे 500 गीगावाट के करीब जो है वो इसको अचीव करना चाहते हैं। अब जारी बात है कि अब उसमें आप देखें कि इंडिया को फिर वो सप्लाई चेन में भी लेके आ रहे हैं, रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी लेके आ रहे हैं, तो अब आप इमेजिन कर लें कि वेयर दे आर टेकिंग इंडिया एंड वेयर इंडिया इज गोइंग इन 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 दिस सिचुएशन के अंदर, दिस इज वेयर दे आर पुटिंग मनी। अब जारी बात है एक जैसे वो कहते हैं ना कि जी हमने इनोवेशन की बात करनी है, इंक्लूसिवनेस की बात करनी है एंड साइंस बेस्ड सॉल्यूशंस टू द फूड सिक्योरिटी की बात करता है अमेरिकन, और वो साथ में इंडिया को भी पिक कर रहे हैं, और हमें चाइनियों ने क्या दिया, कर्जे ही कर्जे। और हमारे लीडर तो बड़े खुश थे, शुक्र है कहीं से पैसा आया यार, पैसे ही नहीं आ रहा था, हम तो सीपैक से बड़े खुश थे यार, एटलीस्ट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से तो कोई पैसा आया है, क्योंकि पैसा तो कहीं से आ ही नहीं रहा था, अमेरिकन तो अफगानिस्तान छोड़कर चले गए, तो हम तो ये कहते हैं यार जरा जंग होवे साड़ी लोड़ पवे तो सानू जनाब जो साड़ी लोड़ पेगी तो असी सानू भी चार छिलू लग जाती है। सो दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग एंड दिस इज नॉट हाउ यू कैन फीड योर 220 मिलियन पीपल एट द एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे आके हमें एक्चुअली वॉन्ट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जो चाइनीज को हम कहते थे कि वो कहते थे चाइनीज ने जो सीपैक में वो एग्रीकल्चर को वो किधर करके है, ताकि हमें पता चले वो कितना को पैसा लग रहा है, कहाँ पे वो पैसा लगा है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लगा होगा, चीज़ें नहीं की होंगी, सारी बात है बहुत जगह काम हुआ होगा, लेकिन कहीं पर कोई पता नहीं चलता उसका, मसले ही रहते हैं। हमने चीनियों के पैसे देने, अभी पता चलता है वो उन्होंने लगा लिए यहाँ पर, हमें पता चला है सीपैक तो बंद पड़ा है या स्टैटिक है, क्योंकि हमने उनके पैसे देने हैं, और ये जो सारे हैं वो इंडिया को सारा जो है वो उठा रहे हैं, ठीक है जी, यूएई और इसराइल भी साथ मिल रहे हैं, और अपने मिडल ईस्ट के वाले से देख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है जी। अब देख लें कि ये किस तरह की चीजें जो है वो अमेरिकन ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की है, और हर फील्ड में मदद की है, डैम बनाने से हो जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हो, लेकिन क्वेश्चन तो एट द एंड ऑफ द ये रह जाता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द कैपेसिटी, ये आपकी कैपेसिटी का सवाल है, इसका चीज का ताल्लुक जो है वो किसी और चीज से नहीं है, ये कैपेसिटी है जो मैटर करती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो है उसको पाकिस्तान मस्ट लुक इनटू इट कि इंडिया को मिडल ईस्ट में उन्होंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी, और जो पाकिस्तान है हमने मिडल ईस्ट को हमेशा सिर्फ कश्मीर के लिए रखा हुआ था, या फिर हमें फ्री तेल दे दो, या फिर हमें हमारे पास पैसे कम पड़ गए हैं तो हमारे डेवलपमेंट कर दो। मुझे याद है पाकिस्तान इमरान खान साहब की हुकूमत में एक मिनिस्टर होते थे, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अली मोहम्मद खान साहब, जब वो मिनिस्टर बने या एमएनए बने तो हुकूमत में आए तो उन्होंने कहा यार हुकूमत के पास तो पैसा नहीं है, तो मेरे इलाके में तो बड़ी बड़ा बड़ी सड़कें बनने वाली हैं, बड़ा कुछ बनने वाला है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सऊदी अम्बेसडर को लेटर लिख दिया, अली मोहम्मद खान साहब ने, और बाद में वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर बने, और वो मिनिस्टर थे जो आखिरी दिन जब इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ तो उन्होंने जो तकरीर की जज्बाती किस्म की, वो जो तकरीर थी वो फिर पीटीआई वालों ने बड़ी, उन्होंने एक लेटर लिखा सऊदी अम्बेसडर को इस्लामाबाद में जो कि लीक हो गया बाद में, और कहा जी कि मेरे इलाके में इतनी सड़कें बनने वाली हैं, मेरे इलाके में इतनी मस्जिदें बनने वाली हैं, इतने स्कूल बनने वाले हैं, इतने हॉस्पिटल बनने वाले हैं, तो काइंडली जरा इस पर हमारा जो है ना हमारी मदद करें, ए पी जे आर शाह, ठीक है जी। ये है सारा कुछ जो आप कर रहे हैं, और ये है आप नरे, और वो फिर बाद में बातें करते हैं उम्मत मुसलमान के हम लीडर हैं और हम फलां हैं और हम ये हैं वो हैं, और जैसे ही आप देखते हैं कोई अरबी आपके सामने आ गया आप उससे जाके पैसे मांगने लग जाते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो इंडियन जो हैं अमराती जो हैं वो तो $2 बिलियन की इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स कर रहे हैं, आपके मुल्क में भी तो एग्रीकल्चर लैंड है ना कि नहीं है, तो हमारे मिनिस्टर साहब क्यों नहीं इस तरह की चीज यूएई से लेके आए आज तक, ये हम ये चीजें क्यों नहीं कर सके। सो मेरा ख्याल है कि वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द कंट्री, हमें कंट्री की डायरेक्शन बदलनी है, और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये एस्टैब्लिश ही नहीं हो रहा कि ताकत किसके पास होनी चाहिए। जब आपको ये ही नहीं पता कि ताकत किसके पास होगी, जब ये ही नहीं पता कि पार्लियामेंट की कितनी पावर है, जब पार्लियामेंट उस तरह डिलीवर नहीं कर पाएगी, अब आप फिर वो कहेंगे जी ठीक है जी मुल्क में आधी टाइम तो फौज हुकूमत करती थी, आधा टाइम सियासतदान हुकूमत करते रहे, सियासतदान कहते हैं जी हमें काम नहीं करने दिया जाता, हमें टोका जाता है, रोका जाता है, ये होता है वो होता है, लेकिन जो टेन्योर इनको मिला उस टेन्योर में क्या हुआ,
मेरा ख्याल है कि ये हम जब आपस में लड़ाइयाँ लड़ना बंद करेंगे, आपस में एक दूसरे के गले पकड़ना बंद करेंगे, तो देर इज अ लॉट मोर वट वी कैन डू एंड थिंग्स कैन इम्प्रूव अ लॉट। बट ये जस्ट देख लें दैट हाउ इंडिया इज बींग, इंडिया को किस तरह वो उठा रहे हैं। एंड वो कोई इंडिया पे एहसान नहीं कर रहे, बिकॉज दे बिलीव दैट इंडिया कैन डज हैव अ पोटेंशियल टू बी एन इक्वल पार्टनर, ठीक है। और हमें इस चीज को बड़ा केयरफुली देखना है। तो सिर्फ नारे कश्मीर पे और इन चीजों पे ना सोचें, थिंक अबाउट द बिजनेस। द मोर वी हैव अ बिजनेस, द बेटर यू कैन परसू योर नेशनल इंटरेस्ट, वट एवर नेशनल इंटरेस्ट द नेशन डिटरमिन्स। दिस इज वॉट आई बिलीव, एंड वी नीड टू हैव रिसोर्सेज, एंड वी नीड टू हैव मनी, एंड वी नीड टू मार्केट आवर सेल्फ। और ये लड़ाइयां लड़ना आपस में बंद करेंगे तो दैट्स द ओनली वे। इंडिया में ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना, पावर किसके पास है? इंडिया में पता है पावर पार्लियामेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। सो वेयर द प्राइम मिनिस्टर सी, एवरीबॉडी लुक्स दैट साइड। सो ये चीजें हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर जी तो देखता पता नहीं है। आज मैं इमरान खान साहब को सुन रहा था और वो कह रहे थे, ओए चोर वजीर आजम, ओए ओए वजीर आला हमजा कुकड़ी। मतलब दिस इज हाउ द लेवल ऑफ अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हु डज अ पोलिटिकल कैंपेन इन लाहौर, and he names and shames his opponents with this way by naming them, by shaming them, and by calling their bad names. तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते ना। Anyhow, let's see हम क्या direction लेते हैं, लेकिन just look at where they are taking India and where we are right now.